चिराग पासवान ने फरियाद आव्यू बिहार फर्स्ट अने बिहार फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट बनावा लोको पासे मांग्या विचार को ड्राफ्ट किए लगभग आज 3 साल होने को आए हैं। 2020 के चुनाव से पहले ही बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की ड्राफ्टिंग की गई थी। उस वक्त हमारे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी भी जीवित थे और उन्हीं का ही ये सोच रही है, उन्हीं का ये प्रयास रहा है। पर इन 3 सालों में परिस्थितियां कई और बदली हैं, कई ऐसी नई समस्याएं सामने देखने को मिली हैं, जिसकी वजह से आज की तारीख में भी बिहार और बिहारियों की स्थिति बद से बदतर की दिशा में ही जाती जा रही है। ऐसे में कई और ऐसे विषय हैं जिसको बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में जोड़ना जरूरी था। कई ऐसे इस दौरान जो विषय हम लोगों ने उठाए, भले वो शराबबंदी को लेकर, विफलताओं को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, कई बार हम लोगों ने आप ही के साथ प्रेस वार्ता करते हुए बिजली से जुड़ी हुई कई समस्याओं को, और आज की भी तारीख में ये बड़ा संकट बना हुआ है कि इतनी महंगी दर पे भैया बिहार में बिजली क्यों मिलती है। सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों की बात हो, कई तरीके के इसमें समस्याएं हैं जो पिछले 3 साल के दौरान हम लोगों ने बिहार भर के भ्रमण के दौरान हम लोगों ने लोगों से सुनने को मिली, जिसका अनुभव हम लोगों ने किया, उन विषयों को भी इसमें जोड़ा जाना अनिवार्य है, ताकि 2024 और उसके साथ या उसके तुरंत बाद जैसे ही बिहार विधानसभा के चुनाव हो, तो ये एक पूर्ण रूपेण एक ऐसा इसका रूप तैयार हो जो कि पूरे बिहार और 13 करोड़ बिहारियों की ये बात करता हो। ऐसे में आज आप सबके माध्यम से जहां एक तरफ बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जिक्र मैं कर रहा हूं, वहीं मैं चाहूंगा कि बिहारी भी अपना सुझाव इसके लिए दें। हम लोग एक व्हाट्सएप नंबर आज आपके माध्यम से हम लोग जारी करने जा रहे हैं, जिसमें मैं चाहता हूं कि तमाम बिहारी युवा, महिला, बुजुर्ग, अलग अलग क्षेत्र से आने वाले लोग, व्यवसायिक हों, किसान हों, मजदूर हों, वो जरूर अपने अपने सुझाव इस व्हाट्सएप नंबर पर दें, 7091776636। ये व्हाट्सएप नंबर है जिसमें लिखित रूप में हर बिहारी फोन करके, ताकि इसमें हम लोगों ने लिखा भी है कि अब बनेगा आपके सपनों का बिहार। अभी तक राजनीतिक दल राजनेता सिर्फ अपनी बातें करते आए हैं कि वो क्या सोचते हैं, पर जरूरी है कि बिहार क्या सोचता है, बिहारी क्या चाहते हैं, तो उनके सुझाव से उनका घोषणा पत्र तैयार हो, उन्हीं के सुझाव से ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो, जहां इसका एक बड़ा हिस्सा पहले ही तैयार किया जा चुका है, पर उसमें जो और सुझाव आएंगे इस व्हाट्सएप के माध्यम से, उन तमाम सुझावों पर भी चिंतन किया जाएगा, उसकी भी समीक्षा की जाएगी, और जो भी ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव होंगे, इसके लिए बकायदा हमारी तरफ से एक समिति का गठन किया गया है, जो इस बात को निर्धारित करेगी कि जो भी सुझाव आ रहे हैं, और उसमें तमाम प्रकोष्ठों के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके प्रकोष्ठों के भी द्वारा कई ऐसे विषय हम लोग की जानकारी में आएंगे, युवा, महिला, अति पिछड़ा हो, किसान प्रकोष्ठ हो, मजदूर प्रकोष्ठ हो, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हो, जितने भी ऐसे प्रकोष्ठ हैं उनके माध्यम से छात्र प्रकोष्ठ हो, छात्रों की एक बड़ी समस्या रही है भैया, 3 साल का कोर्स 5-5, 6-6 साल तक कंप्लीट नहीं होता, पेपर लीक यहाँ पे हो जाता है, तो इन तमाम विषयों को हम लोगों ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में इनकॉर्पोरेट करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। इसी संदर्भ में एक 7 सदस्यीय समिति का भी हम यहाँ पर गठन कर रहे हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार जी होंगे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व विधायक श्री सतीश कुमार जी होंगे, इसमें राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सत्यानंद